मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कांग्रेस इस समय अंतर्कलह से जूझ रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने प्रदेश की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल किया। अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ एंड कंपनी फिर से सत्ता में आने की जुगत में लगी है। इस समय कांग्रेस के लोगों को सपने में जमीन दिख रही है। ग्वालियर चंबल अंचल के कांग्रेस चुनावी परिदृश्य से बाहर होती जा रही है। वर्तमान में कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने खुद माना है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। इंडिया धीरे धीरे हमने किया था सपा पर उतरने का और प्रावस्था के कारण कमलनाथ की गलत नीति और ग्वालियर चंबल अंचल के साथ जो धोखा उन्होंने किया उसके आधार पर सरकार गई थी। लेकिन आज गोविंद सिंह ने फिर कहा है मुझे पहले कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। मैंने कहा है गोविंद सिंह जी से, गोविंद सिंह जी मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र छोड़ दो, इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम भी कांग्रेस के नेतृत्व ने किया और उसके रणनीतिकार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।